और चलिए सीधे आपको दिल्ली लिए चलते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं। सिरसा हरिओम यादव, अपने डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी, पूर्व विधायक हैं एतमादपुर से सपा के, आज ये भारतीय जनता पार्टी से मैं ज्वाइन कर रहे हैं। ये तीनों महानुभावों का, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी, आदरणीय नड्डा जी, सभी को विश्वास में आज पार्टी की लोकप्रियता और जो गरीबों के लिए, गांव के लिए, दलितों के लिए, शोषित वंचितों के लिए, आदिवासी बनवासी गिरवासियों, ऐसे बनटांगिया थारू और मुसहरों के लिए जो गरीबों के लिए काम हो रहा है, उनकी लोकप्रियता के कारण आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आप सब ग्रहण कर रहे हैं। मैं आदरणीय नरेश सैनी जी को, आदरणीय हरिओम यादव जी को, आदरणीय डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और इन लोगों का अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी में अपेक्षा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के प्रति परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और इनके आने से पार्टी का कद बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने मंचासीन जो नेता लोग हैं, आदरणीय स्वतंत्र देव जी, केशव मौर्या जी, आदरणीय दिनेश जी, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि नरेश सैनी जी को पार्टी की सदस्यता की पर्ची दे, बुके और अंग वस्त्र पहना के भी पार्टी में स्वागत करें नरेश जी का। हरिओम यादव जी को भी पार्टी में उनका स्वागत है, उनको पार्टी की सदस्यता की पर्ची आदरणीय केशव मौर्य जी दें। देखिए केशव प्रसाद मौर्य जो कि पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवा रहे हैं हरिओम यादव को, इससे पहले कांग्रेस विधायक नरेश सैनी भी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, वो तस्वीर भी आपने देखी, और दोनों ही नेताओं का स्वागत किया गया। कुल मिलाकर यहां पर देख रहे हैं आप, तीन नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। कांग्रेस के बड़े नेता हैं नरेश सैनी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। इससे पहले लगातार हम ये आपको जानकारी दे रहे थे कि कांग्रेस विधायक नरेश सैनी आज बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, और वही तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तीन बड़े नेता, एक समाजवादी पार्टी से नेता है जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है, धर्मपाल सिंह समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और कांग्रेस विधायक नरेश सैनी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस के लिए बड़ा झटका, समाजवादी पार्टी के हरिओम यादव भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। स्वतंत्र देव सिंह को आप देख रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य जिन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई है, दिनेश शर्मा भी यहां पर मौजूद हैं। इन तीनों नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है, इनके आने से भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होता है ये देखना होगा। लेकिन तीन बड़े कद के नेता जो कि अपनी समाज में अच्छी पैठ रखते हैं, उन तमाम नेताओं को आज पार्टी ज्वाइन कराई गई। एक तरफ लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी टिकटों को लेकर मंथन चल रहा है और कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में कई नेताओं का टिकट कट रहा है, जिस वजह से वो अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं या कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। और इस बीच जो हमने आपको तस्वीर दिखाई दिल्ली से, तीन बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, और आपको बताएं समाजवादी पार्टी से दो नेता हैं और कांग्रेस से नरेश सैनी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इस खबर पर ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, ये तीन बड़े नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, इनके आने से भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा पहुंचेगा? देखिए हरिओम यादव फिरोजाबाद के बड़े नेता हैं और इस भारतीय जनता पार्टी की 2017 में जो लहर चली थी उसके बावजूद कांग्रेस के टिकट पर सात लोगों में से एक टिकट पर जीतना, सैनी का विधायक होना अपने आप में ये बताता है कि वो कितने जमीन के नेता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में इनकी बात बहुत पहले से चल रही थी और आश्वासन इन्हें दिया गया कि आपको टिकट दिया जाएगा। और हरिओम यादव, याद होगा कि जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव चल रहा था
उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ खुलकर आ गए थे और प्रदेश के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह जो प्रभारी हैं फिरोजाबाद के, उनके साथ उनकी तस्वीर भी सामने आई थी। उस जमाने में उन्होंने कहा था कि अभी तय करेंगे, दयाशंकर सिंह हमारे मित्र हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे मित्र हैं, हम तो मित्रता निभाने आए हैं इसलिए चाय पीने आए हैं, लेकिन वो जो चाय राजनीति में पी जाती है, वो जो मित्रता निभाई जाती है, वो सतह पर आज आ गई है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सेजबारी है और कल जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी से एक अलग राह बनाई, ऐसे में सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये खड़ा हुआ था भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी के इतने कद्दावर नेता बाहर जा रहे हैं। जैसा कि एबीपी गंगा ने दर्शकों को सबसे पहले बताया था कि अमित शाह ने पूरी कमांड अपने हाथ में ले ली थी और इस बात का खुलासा एबीपी गंगा ने ही किया था कि अमित शाह ने अपनी ज्वाइनिंग कमेटी जिसके अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं, जिसके सदस्य केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, दयाशंकर सिंह हैं, उन्हें यह निर्देशित किया था कि जल्द से जल्द वो समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं उन्हें शामिल कराया जाए। और कल से ही ऑपरेशन पर भारतीय जनता पार्टी के नेता लग गए थे। दिल्ली में जो बैठक चल रही थी उसमें अमित शाह खुद मौजूद थे और स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश शर्मा और केशव मौर्य भी मौजूद थे। वहीं अमित शाह ने कहा तीनों लोगों से जल्द से जल्द समाजवादी पार्टी के नेताओं को ज्वाइन कराएं, क्योंकि परसेप्शन का खेल है, चुनाव में परसेप्शन खराब हो जाता है जब एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में लोग जाते हैं। साथ ही सोर्सेज से खबर यह भी मिली थी कि भारतीय जनता पार्टी ने उस बैठक में, यानी कल जो महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हुई थी, उसके पहले ये माना जा रहा था कि 125 जो मौजूदा विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के उनके टिकट काट दिए जाएंगे, लेकिन उस बैठक में सोर्सेज से एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, ये तय किया गया कि भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर विधायकों के टिकट अब नहीं काटे जाएंगे, उसमें थोड़ी गनीमत रखी जाएगी। इसकी संख्या जो घटकर लगभग 45 और 50 के बीच हो गई है। जो 125 टिकट भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को, यानी जो मौजूदा विधायक हैं उनके काटने को तैयार थी, वो अब घटकर 50-45 तक रह गई है, ऐसी खबर आ रही है। कल की बैठक में ये तय किया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने के बाद से बहुत सारे ऐसे विधायक जो स्वामी प्रसाद मौर्य के टच में हैं, वो लगातार संपर्क में स्वामी प्रसाद मौर्य के हैं और उनके घर पे जा चुके, कुछ ने तो पार्टी छोड़ भी दी, कुछ लाइन में लगे हुए हैं। और मैं खबर आपको कल भी दे रहा था और आज भी दे रहा हूं कि 12 भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से इस महीने मिल चुके हैं, उनके फोटो जारी नहीं हुए हैं। और साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य के अलावा 2 मंत्री और हैं जो अखिलेश यादव से मिल चुके हैं और उनका फोटो तभी रिलीज हुआ होगा जब वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे और उसके बाद अखिलेश यादव ट्वीट करेंगे अपने साथ की फोटो। वो फोटो अखिलेश यादव के पास मौजूद है, वो नाम भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन नाम नहीं बताया जा सकता क्योंकि सोर्सेस जो हमारे पास खबर आती है उसके साथ न्याय नहीं होगा, इसलिए वो नाम हमारे पास है, उन विधायकों की तस्वीरें हमारे पास है, अखिलेश यादव का वो ट्वीट करेंगे अखिलेश यादव, लेकिन 2 मंत्री और भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से टूटकर समाजवादी पार्टी में जाने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के वो टच में हैं। और एक बात आपको और जानकारी दे दूं, बड़ी खबर ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये दावा किया है कि दारा सिंह चौहान उनके संपर्क में है और दारा सिंह चौहान और वो बसपा में बहुत दिन तक साथ रहे, भारतीय जनता पार्टी में भी उन्होंने सफर तय किया और अब मैं जहां हूं वहीं दारा सिंह चौहान जाएंगे। ये स्वामी प्रसाद मौर्य दावा कर रहे हैं कि दारा सिंह चौहान उनके संपर्क में हैं और भी जो 2 मंत्री टूटकर भारतीय जनता पार्टी से सपा में जाने वाले हैं वो भी स्वामी प्रसाद मौर्य के टच में हैं, उनकी बात लगातार हो रही है, बस मौके का इंतजार किया जा रहा है, अवसर का इंतजार किया जा रहा है, समय का इंतजार किया जा रहा है कि वो समय कब होगा, वो उचित समय कब होगा। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने भी सेंधमारी कर दी है और सेंधमारी करके सपा को तोड़ा है, कांग्रेस को तोड़ा है। तो ऐसे में जो निर्देश अमित शाह की तरफ से ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष और उनके सदस्यों को कल दिया गया और कड़े और सख्त लहजे में अमित शाह ने उनको निर्देशित किया कि जल्द से जल्द ऑपरेशन समाजवादी पार्टी शुरू की जाए। और मैं आप बिल्कुल, और गिरीश जी देखिए इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये बड़ी चुनौती है कि जितनी संख्या कम हो रही है, यानी कि पार्टी से जितने नेता जा रहे हैं, कम से कम उस संख्या को बाकी दलों से तोड़कर लाया जाए और संख्या को कम से कम बराबर किया जाए। ये भी डैमेज कंट्रोल करने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूं मैं आपके पास।